गॉडजिला इन हेल इशू नंबर वन। साल 2015 में आई गॉडजिला इन हेल की इशू नंबर वन में हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला जब अपने चारों तरफ आकाश को देखता है तो वो ये देखकर घबरा जाता है कि पूरा गगन लाल हो चुका है और उसके नीचे की जमीन कांप रही थी। अचानक उसके पैरों के तले जमीन धंसती है और वो एक काफी गहरे गड्ढे में गिरता जाता है और गॉडजिला के नीचे गिरते ही वहाँ लिखा होता है गॉडजिला इन हेल। और गॉडजिला जिस जगह गिरता है वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है जिस वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जब गॉडजिला उठता है तो अपने सामने एक पिलर को देखकर ये काफी भौचक्का हो जाता है क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ था अबैंडन ऑल होप्स हु एंटर हियर, यानी यहाँ गिरने वालों अपनी सारी उम्मीदों को खो दो। और ये लिखे नोटिस को देख गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने एटॉमिक ब्रीज से उस पिलर की धज्जियां उड़ा देता है और ये बता देता है कि उम्मीद मेरी नहीं किसी और की टूटने वाली है क्योंकि अब यहाँ मैं आ चुका हूँ। और उसके बाद गॉडजिला आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे सामने चिमनी दिखती है जिस पर से धुआं निकल रहा था, जिस वजह से गॉडजिला चिमनी की तरफ जाता है और वो चिमनी को जैसे ही झांकता है कि तभी चिमनी में बैठा मॉन्स्टर गॉडजिला को पूरी तरह से जकड़ लेता है। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर गॉडजिला को मारना चाहता था तभी गॉडजिला उस मॉन्स्टर को अपने पैरों तले रौंद देता है और ये सभी को बता देता है कि पूरे हेल का नियम अब बदलने वाला है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद गॉडजिला हेल में आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर सफर करने के बाद गॉडजिला अपने सामने पुरानी इमारतों को देखता है जो कि काफी डरावनी दिख रही थी और डरावना होने के साथ साथ वहां काफी सारे हेल के आर्मी होते हैं। पर गॉडजिला यहां भी नहीं डरता, पर ये देखकर काफी परेशान हो जाता है कि वो अब कहां आ चुका है। पर अचानक गॉडजिला को चारों तरफ से एक धुआं घेरने लगता है। यह एक तरह की धुंध थी जिसमें गॉडजिला पूरी तरह से घिरने लगता है और गॉडजिला इस धुंध में पूरी तरह से घिरने के बाद जमीन में गिर जाता है। फिर जैसे ही वो उठता है उसे अपने सामने एक और गॉडजिला दिखता है जो काफी डरावना दिख रहा था क्योंकि उसके आंखों से खून भी निकल रही थी। साथ ही वो जब चाहे अपना रूप बदल सकता था, इसलिए रूप बदलने वाला गॉडजिला अचानक एक जायंट स्क्विड जैसा आकार ले लेता है और वो गॉडजिला को पकड़ लेता है। ये सारे दृश्य को देखकर गॉडजिला काफी दंग रह जाता है कि कोई अचानक इस तरह से कैसे रूप बदल सकता है। कुछ ही देर में रूप बदलने वाले गॉडजिला के शरीर से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो गॉडजिला को जकड़ना शुरू कर देते हैं। रूप बदलने वाला गॉडजिला को जकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उसे नीचे जमीन में पटक देता है और ऐसा ये गॉडजिला कई बार करता है और इस घटना के कारण गॉडजिला का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है जिस वजह से वह अपनी एटॉमिक ब्रीथ की मदद से उस रूप बदलने वाले गॉडजिला के सभी टेंटिकल्स को काट देता है। टेंटिकल्स के छूटने के बाद गॉडजिला जमीन में गिर जाता है और वो रूप बदलने वाले गॉडजिला पर जोरदार प्रहार करता है और उसे गिराकर उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में रूप बदलने वाला गॉडजिला को जोरों से धक्का मारता है जिस वजह से गॉडजिला काफी दूर जाकर गिरता है। फिर रूप बदलने वाला गॉडजिला और भी भयानक रूप लेने लग जाता है और फिर वो गॉडजिला को चारों तरफ से जकड़ लेता है। पर इस बार गॉडजिला को इतना गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो टेंटिकल्स वाले गॉडजिला की तरफ जोरों से भागता है और उसे टक्कर मारकर अपनी बॉडी से रेडियो एक्टिव वेव्स निकालना शुरू कर देता है और इस वजह से वहां एक काफी बड़ा धमाका क्रिएट होता है जिसके चपेट में आकर रूप बदलने वाले गॉडजिला के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर शायद गॉडजिला को यह अनुमान नहीं था कि वो हेल के बस पहले दरवाजे को ही पार कर पाया है और अचानक जमीन फिर से फटती है जिसमें गॉडजिला फिर से नीचे गिरने लगता है। अब उसका सफर एक ऐसे हेल में होने जा रहा था जहां मुसीबतें पहले से भी भयानक होने वाली थी। आगे गॉडजिला को पहले से भी खतरनाक मॉन्स्टर का सामना होने वाला है और नीचे मॉन्स्टर गॉडजिला का पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। और यही समाप्त होता है गॉडजिला इन हेल का इशू नंबर वन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इशू नंबर टू के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।